आ रहा है, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं आ रहा है। और तो सहरसा न्यू दिल्ली क्यों हम सफ़र एक्सप्रेस के पार्ट टू में आपका स्वागत। पार्ट वन में हमने देखा मुजफ्फरपुर से छपरा के बीच ट्रेन जर्नी, और पार्ट टू में हम छपरा से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम हैं छपरा जंक्शन, हमारी ट्रेन छपरा जंक्शन में 30 मिनट बिफोर पहुँची है। और दोस्तों आपसे मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द, और देखते हैं छपरा से डिपार्चर और इन्जॉय कीजिए पार्ट टू।
अभी हम स्किप कर रहे हैं एकमा। हम क्रॉस कर रहे हैं दुरावधा जंक्शन, बहुत ही धीमी रफ्तार में। धीरे धीरे हमारी ट्रेन रफ्तार बढ़ाते हुए निकल रही है दुरौधा जंक्शन से। हम स्किप कर रहे हैं सिवान जंक्शन।
क्रॉसिंग भटनी जंक्शन। क्रॉसिंग देवरिया सदर। गोरखपुर कैंट।
सो गाइस 293 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने डिस्टिनेशन गोरखपुर जंक्शन। यहां का स्टेशन कोड है GKP और यहां से डेली 103 ट्रेन का हॉल्ट है और यहां से 72 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 73 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और गोरखपुर जंक्शन पर 10 प्लेटफॉर्म है और ये डबल लाइन है, इलेक्ट्रिफाइड है और हमारी ट्रेन यहां पर 35 मिनट बिफोर पहुँची है। और बात करते हैं हम सफर की कोच पोजीशन के बारे में, तो इसमें AC 3 टीयर के 12 कोच यानी 12 कोच और स्लीपर के 4 कोच इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसे मुझे मेरा फेयर पड़ा इस ट्रेन का मुजफ्फरपुर से गोरखपुर का स्लीपर का 230 यानी 230 रुपीज़। और आप टिकट बुक करना चाहते हो तो इसमें बुक कर सकते हैं और आराम से इसमें आपको टिकट मिल जाएगा। तो यही हुआ ट्रेन की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट कौन सा जर्नी देखना चाहते हैं वो कमेंट करें। तो मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें और शेयर करें। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ख्याल रखें अपना।